और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दूं, दिव्यांग बच्चों से भीख मंगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। भीख की कमाई से गिरोह के सदस्य ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह की सरगना सलमा को आखिरकार हिरासत में ले लिया। जयपुर सहित देश भर में ये गिरोह फैला हुआ था और जाल बिछा कर देश भर से बच्चों में तस्करी करवा कर ये भीख मंगवाते थे और जयपुर में भी दर्जनों बच्चे यहाँ भीख मांगते थे। पुलिस से भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़ा और थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर पुलिस की बड़ी सफलता, भीख मंगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह की मुख्य सरगना सलमा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और ये गिरोह देश भर में अलग अलग बड़े शहरों में जाकर बच्चों की तस्करी करता था और उसके बाद इन बच्चों से भीख मंगवाता था। भीख मांगे हुए पैसों से ये सभी सदस्य ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दूं, दिव्यांग बच्चों से भीख मंगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। जिन भीख मांगने वाले बच्चों को दया करके आप भीख देते हैं, वो बच्चे किसी मजबूरी और किसी गिरोह की ग्रस्त में हो सकते हैं और इसी के तहत जयपुर सहित देश भर में इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जयपुर पुलिस ने, जो कि बड़ी सफलता है। दिव्यांग बच्चों से ये गिरोह भीख मंगवाता था और भीख मांगे हुए पैसों से ऐश आराम की जिंदगी जी रहा था। पुलिस ने पहले भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़ा और उसके बाद मुख्य सरगना सलमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब मुख्य सरगना से गहनता से पूछताछ की जाएगी, चूंकि ये गिरोह देश भर में फैला हुआ था। दिव्यांग बच्चों से भीख मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, मुख्य सरगना और कई सदस्य को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। यादवेंद्र, जयपुर पुलिस की एक और बड़ी सफलता, जिस तरह से जिन बच्चों पर दया करके लोग भीख देते हैं, वो बच्चे किसी मजबूरी से ग्रस्त हो सकते हैं, इस तरह के गिरोह में फंसे हुए हो सकते हैं और ये बड़ी सफलता कि जयपुर पुलिस ने इस भीख मंगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। क्या था ये पूरा मामला और कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और अब आगे के इनके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं देश भर में? देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि चूंकि यहाँ पर जालूपुरा थाना पुलिस है, जिसमें विक्रम सिंह जो थाना अधिकारी है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्थान समेत तमाम जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो बच्चों से जो भीख मंगवाते हैं, उसके पूरे गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में गिरोह की जो सरगना है सलमा, उसको अरेस्ट किया है यहाँ पर, दिल्ली से यहाँ पर और यूपी से यहाँ पर कार्रवाई करके यहाँ पर जो जादूपुरा थाना पुलिस है, वो इसको गिरफ्तार करके ले गई। सलमा जो है जयपुर के अंदर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप इलाके हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनसे यहाँ पर भीख मंगवाने का काम करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है ज्योति की जो सलमा है, ये बच्चों का ड्रामा करवाती थी, बच्चों को ये बताती थी कि तुम दिव्यांग बन करके लोगों से भीख मांगो और उसी तर्ज पे ये लोग बच्चे ड्रामा करके और किसी के दिल में छेद है, किसी को क्या बीमारी है, इस बहाने करके ये लोग जयपुर शहर के अंदर भीख मांगते थे। दिन की जो इनकी इनकम हुआ करती थी भीख मांगने, वो कम से कम 10 से लेकर 15 हजार रुपए हुआ करती थी और इन बच्चों को यहाँ पर तस्करी करके जयपुर शहर में लाया जाता था और उनसे भीख मंगवाने का काम करता था। पर डे के हिसाब से इनको 200 से 300 रुपए दिया जाता था, तब ये बच्चे जाकर के जयपुर शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर के 10 से 15 हजार रुपए की जो भीख है वो मांगते थे। इस भीख से आए हुए पैसों से ये जो सरगना और इनके जो सदस्य है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। पुलिस ने इस गिरोह के कई सदस्यों को पहले भी जो गिरफ्तार कर चुकी है, जब इनके घर पे दबी जीती तो लग्जरी लाइफ जीते हुए इनके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हुए नजर आए, चूंकि कहीं किसी तरीके से लगता नहीं था कि ये गिरोह है जो गरीब है, यतीम है, लेकिन इस गिरोह को यहाँ पर पर्दाफाश करके जयपुर ने एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। चूंकि अलग अलग इलाकों के अंदर ये बच्चों को तस्करी करके यहाँ पर लाए थे और अलग अलग इलाकों के अंदर भेज करके ये लोग भीख मंगवाते थे, तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और गिरोह की जो सलमा है उससे यहाँ पर जो पुलिस है पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह के सदस्य कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, किन किन शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जी यादवेंद्र, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्या इस सरगना के सभी सदस्यों से अब गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि जितने भी बच्चे इनकी गिरफ्त में है, जो भी इनसे काम करवाते हैं, उन सभी को बरामद किया जा सकेगा? क्या कुछ जानकारी है यादवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरोह है
ये यूपी से और बिहार से इन बच्चों को यहाँ पर तस्करी करके लेके आए थे, और तस्करी करने के बाद यहाँ पर अलग अलग इलाकों के अंदर इनको यहाँ से भेजा गया था। और जब यहाँ पर मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं दिव्यांग बन करके उनसे भीख मांग रहे हैं, तो यहाँ पर रंगे हाथों उन बच्चों को पकड़ा था। इनके बच्चों के पास से यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का जो कैश था वो बरामद हुआ था। जब इन बच्चों से भी बातचीत की गई थी, जब इनसे इंट्रोगेशन हुआ था, बच्चों से पूछताछ हुई थी, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि ये हमें यहाँ पर जबरदस्ती लेके आए हैं और यहाँ पर हमको डरा धमका करके रखते हैं और हमें 2 वक्त का यहाँ पर भोजन देते हैं, लेकिन हमको यहाँ से 200-300 रुपए ये लोग देते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम्हें डेली के डेली यहाँ पर 10 से 15 हजार रुपए कमा के देने। और ये बच्चे वैसा ही करते थे, डरा धमका करके इन बच्चों को रखते थे। लेकिन सलमा है, सलमा के साथ इसका एक और साथी था जो पहले यहाँ पर गिरफ्तार हो चुका है, उसी की पूछताछ के यहाँ पर सर जो सलमा है उसकी यहाँ पर तलाश थी। सलमा यहाँ से गाजियाबाद भग गई थी, उसके बाद दिल्ली भग गई थी। पुलिस को उसको काफी समय से तलाश थी, चूंकि ये काफी शहरों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, दिल्ली और यूपी तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। जब यहाँ पर पुलिस को इसकी सूचना मिली तो यहाँ पर मुखबिर से सूचना मिली तो उन्होंने दिल्ली में यहाँ पर दबिश दी, उसके बाद सलमा यहाँ पर गिरफ्त में आ पाई है। लाल पूछताछ कर रही है और ये पता कर रही है पुलिस की सलमा से कि कौन कौन महिला है और कितने बच्चों को अब तक तस्करी करके लेके आई है और किन किन बच्चों को किस किस हालात में यहाँ पर रखा गया है, इन सब चीजों को लेकर के पूछताछ होगी। बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा होने की उम्मीद है और जो पूरा जो नेटवर्क जो बच्चों के गायब होता है उसका भी यहाँ पर खुलासा होगा कि किन किन बच्चों को किस किस शहरों में यहाँ पर भेजा हुआ है और किस तरीके से बच्चों को तस्करी करके यहाँ पर लाते थे। जी आदविंद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि इस शरगना की जो मुख्य आरोपी है सलमा, वो बच्चों से उनका बचपन छीनकर उनसे भीख मंगवाती थी। और यही नहीं, ये जयपुर शहर की बात ही नहीं है बल्कि उसका ये पूरा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ था। लेकिन इस गिरोह के मुख्य सरगना को अब जयपुर पुलिस ने पकड़कर एक बड़ी सफलता हासिल की और इसके तार कहां कहां जुड़े हैं पुलिस पूछताछ में सारी जानकारी बटोर लेगी।